अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री राम चरित मानस विमल कथा करो चित चाय आसन आई विराजे पवन पुत्र हर्षाय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी जी महाराज की जय। तुलसी सीताराम कहो हृदय मान विश्वास कब हो बिगड़त ना सुने श्री सीताराम जी के दास। परम प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वाले श्री भगवान चित्कल पुरुष पितामरधारी भगवान श्री राघव सरकार को कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत परम संत श्री हनंत लाल जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। जी कथा कहने सिद्धि प्रदान कर व्यासपीठ पर विराजमान हो श्रीमती परम पूज्य प्रातः अश्वनीय श्रीमद गोस्वामी जी महाराज के चरण कोटि कोटि वंदन। जी सुंदर वाणी प्रदान करें भगवान श्री सिद्धि बुद्धिदाता श्री विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान के चरणों कोटि कोटि वंदन। जी सुंदर वाणी प्रदान करें माता शारदा जी के चरणों में कोटि कोटि नाम जी सुंदर वाणी प्रदान करें। मेरी प्रार्थना है भगवान भूत भवन भोलेनाथ माता पार्वती जी के सिद्ध पधारें कथा सुनकर के मुझे पुनः आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी क्रम में ग्राम देवता वास्तु देवता स्थान देवता भूत प्रेत पिशाच आदि अक्षगंधर और राक्षस सभी को कोटि कोटि नाम जी कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। माँ हिंगलाज भवानी माँ कठिना समय माता माँ बाराही जी के चरणों में कोटि कोटि नाम जी कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परम प्रिय यजमान श्री सेक्रेटरी साहब जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धामयी माताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मुझे अपना आशीष प्रदान करें प्यारे बच्चों को प्यारा भरा आशीर्वाद। मंच पे उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे हमारे कलाकार बंधु श्री छोटू जी भोला जी संदीप जी आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। और यहाँ सहयोग दे रहे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। और विजय साउंड सर्विस भगो भार कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। पथरा नगर निवासियों को सभी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस कथा में प्रवेश करने के पूर्व में बड़े भाव के साथ मन और वाणी को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए बड़े भाव के साथ मन भगवान के चरणों में लगाएं। भगवान के नाम अमृत का सुंदर पान करने हेतु अपने वाणी से बड़े भाव श्रद्धा के साथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम के साथ बोलेंगे भैया जब तक गानी राम राम रटते रहो भैया जब तक जिंदगानी राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। दो अक्षर का
मनोहर तोहर चरिया, मंत्र मनोहर तोहर चरिया, मंत्र मनोहर तोहर चरिया, मंत्र मनोहर सुमिरत शंभु भवानी रटते रहो, शंभु भवानी राम राम रटते रहो। हे हरि बोले श्री सीताराम भगवान की, भौतिक मिटेगी परेशानी राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। हरिओ लाभ नहीं कछो, राम जपे सम लाभ नहीं कछो, नाही जपे बड़ हानि राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बदल जाएगी जिंदगानी राम राम रटते हो। एक बात में जितना वृक्ष उतने प्रकार के फल है ना। अगर जामुन का वृक्ष है तो जामुन का ही फल होगा, कटहल का वृक्ष होगा तो कटहल का ही फल होगा, सेब का वृक्ष होगा तो सेब का ही फल होगा। लेकिन राम नाम एक ऐसा वृक्ष है कि आप जिस फल की कामना करेंगे तत्काल प्रदान कर देगा, ऐसा है राम नाम। इस नाते इसको क्या कहा गया है, रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूरी निकट जो आया। राम जी के चरणों में आने से आपका दुख दूर होता है, द्वंद दूर होता है, दोष दूर होता है, कष्ट दूर होता है, पीड़ा दूर होती है।
लेकिन समस्या क्या है, कलयुग के लोगों को सहज चीज अच्छा नहीं लगता, कठिन में उलझे हैं, सहज के पीछे नहीं पड़ पड़े। अच्छा, आपने देखा होगा इस संसार में सहज का कद्र नहीं है, कठिन का कद्र है। बोली सच्चिदानंद भगवान की, आपके घर के सामने शिव जी का बढ़िया मंदिर बना हो और आप सुबह जाइए, जल चढ़ाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, अपने हृदय की बात उनसे कहिए, चाहे आधा घंटा कहिए, घंटा कहिए, दो घंटा कहिए, लेकिन वहां लोग नहीं बैठेंगे, कहां जाएंगे? जब यहां से थक करके, हार करके, परेशान हो करके जब किसी मंदिर में पहुंचेंगे, लंबी लाइन लगाने के बाद पीछे से किसी ने धक्का दे, ए, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो वहां पहुंचने पर लगता कि हमने तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया, हमने तो पूरा पुण्य अर्जित कर लिया। सहज का कद्र नहीं, बोले हाँ या ना? कठिन का कद्र है, बोले सच्चिदानंद भगवान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राम नाम एक ऐसा नाम है कि यदि चाहते आराम है तो एक काम करिए और रहिए राम के शरण में, बस राम राम कहिए। आराम की तलब है तो एक काम करिए और रहिए राम के शरण में, बस राम राम करिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सच्ची निष्ठा से भगवान के चरण में हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए असंभव है, है ना? लेकिन क्या होना चाहिए? बोले निष्ठा होनी चाहिए। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, लेकिन समस्या क्या है कि अपने हाथ को इतना व्यस्त कर रखा है कि भगवान के लिए समय नहीं मिलता। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सूटकेस भरने के पीछे लोग इतना परेशान हैं कि हाथ खाली नहीं तो ताली बजाकर राम नाम संकीर्तन कहां से करें? सूटकेस भरेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, द्रव्याणि भूमो पश्वश्च गोष्ठ, भार जा गृह द्वारी जना शमशान, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छित जीव एक। आप कितना भी बड़ा सूटकेस भर लीजिए लेकिन ध्यान देना, जिस दिन आपका शरीर शांत होगा उस दिन आपका एक भी गड्डी आपके काम नहीं आएगा। जिस पशु के लिए कई लोग कहते क्या करें महाराज, इतना जंजाल है कि सुबह में से लेकर समय तो जूठो गऊ है, जूठो भैंस पाले हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, दिन भर उसी पीछे रहते हैं, क्या करें, टाइम में नहीं मिलता कथा वथा सुनने के लिए, लेकिन जब शरीर शांत होगा तो वो भी आपका साथ देने नहीं आए, पूछने नहीं आएंगे क्या हो गया आपको। जिस नारी में इतनी आसक्ति है वह नारी भी आपका साथ देने नहीं आएगी, कर्म के अनुसार आपका जो शरीर है वही आपके साथ जाएगा, है ना? तो आप सब कुछ जानते हैं लेकिन जानने के बाद आप मान जाए तो आनंद आ जाए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भजन कैसे करें, भगवान कहते हैं भजन आप कैसे भी करो, भजिए। भजन किस धातु से बना? बोले भज धातु से बना, भजिए। अब चाहे जैसे भजिए, भजन आपका कल्याण करेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले किस प्रकार से? बोले घास रखा हो सूखा घास और उसमें माचिस की एक तीली पड़ जाए, जाने में पड़े अनजाने में पड़े, वह घास को जला करके राख कर देगी। वैसे आपके वाणी से भगवान का नाम जाने अथवा अनजाने में निकलेगा, भगवान का नाम आपके पाप राशि को जला करके दग्ध कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है, राख कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन समस्या क्या है, आज पग पग पे संदेह है, राम है कि नहीं है? कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान है नहीं, बस अपनी परंपरा के अनुसार हम पूजा कर रहे हैं, बाबा करते थे, आजा करते थे, पिताजी करते थे तो हम भी कर रहे हैं, उनको ये भरोसा नहीं कि ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान अगर कहीं निकल गए अब अगर हम माला नहीं जपेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा दंड हम ही को दे दें। बोली सच्चिदानंद भगवान,
कुछ डर करके भक्ति कर रहे हैं और कुछ इस विश्वास पर भक्ति कर रहे हैं कि प्रभु अगर आपने गिद्ध को दर्शन दिया है, गणिका को दर्शन दिया है, अजामिल को दर्शन दिया है, तो आप हमको भी दर्शन देंगे, ऐसा भरोसा है? आपने सुना होगा वो पंक्ति कि याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, और दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, और ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विश्वास करना जरूरी है, याद आएगी संशय नहीं है, लेकिन आज भी बहुत लोगों को संशय पता नहीं, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली बस जप रहे मिलेंगे नहीं। अच्छा, समस्या ये है कि भगवान है इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी आंख वाले ने पहचान किया, वह नेत्र तो चाहिए, वह दृष्टि तो चाहिए भगवान को पहचानने के लिए। अच्छा, हम आप कौन है? बोले हम आप जीव हैं, और जीव क्या है? अज्ञ है, अल्पज्ञ है, और परमात्मा सर्वज्ञ है। ईमानदारी से बताइए, हमारी औकात है भगवान को जानने की? तो हमको जानने के पीछे नहीं पड़ना है, हमको क्या करना है? मान लेना है कि भगवान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम अगर ये धोती न पहने, पैंट शर्ट पहने, या एकदम जैसे आजकल के नवयुवक रहते वैसे हम भी रहे, और मैं मंच पे कथा बोलूं, तो क्या मैं दूसरा कुछ बोलूंगा? जो मेरे अंदर ज्ञान रहेगा वही मैं बोलूंगा। लेकिन ये मैंने इसलिए पहना हुआ है कि जिससे लोग समझें कि हाँ ये कथावाचक है, महात्मा है, पंडित जी है, ये भगवान को दिखाने के लिए हमने नहीं पहना, ये आपको बताने के लिए पहना कि हम पंडित जी हैं। बोलो हाँ जी बिना जी, आपको बताने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि आप भरोसा करिए, मान लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, गले में लोग तुलसी माला धारण करते हैं, ना करें तो कोई रोकेगा या कोई कुछ कहेगा? लेकिन धारण क्यों करते हैं? देखिए, भजन का प्रभाव तो है ये है, लेकिन एक अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो सिखा रखने के बाद, चंदन लगाने के बाद, तुलसी धारण करने के बाद आप आम इंसान की तरह अपना व्यवहार नहीं रख पाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान, हालांकि वो रोकेगा नहीं, अगर आप गलत करना चाहें तो तुलसी रोकेगी नहीं, वो चंदन रोकेगा नहीं, वो सिखा रोकेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जब अगल बगल देखोगे तो एक बार आपका आत्मा आपसे कहेगा कि भैया समाज वालों को क्या कहोगे? बोले सच्चिदानंद भगवान, क्या मुंह दिखाओगे? है ना? तो ये भगवान को मान लेने से पहला फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको पता चल गया कि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो पहले तो किसी की निंदा नहीं करोगे, क्योंकि पता चल जाएगा इनमें भी राम है। ना केवलम में भक्ताश राजन, सबे बलम बलिनाम परेशान, परावरीम स्थिर जंगमा में ब्रह्मा नवीन वंश प्रणीता, सबके अंदर है। तो जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा उस दिन किसी की निंदा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। बोलो हाँ। दूसरा, ईर्ष्या बंद हो जाएगी, क्योंकि जब सब में राम दिखेगा तो ईर्ष्या किससे करोगे? दुनिया की इस शीश महल में किसको पत्थर मारे, जब शीश महल का हर एक शीशा अपना लगता है। अच्छा, शीशे में देखोगे आप शीश महल में, तो हर शीशे में तस्वीर किसकी दिखेगी? बोलिए, अपनी दिखेगी। तो जैसे शीश महल में हर तस्वीर आपको अपनी दिखती है, वैसे अगर भगवान के भाव में देखोगे तो पूरा विश्व कैसा दिखेगा? सी राम मैं सब जग जानी, सी राम मैं सब जग जानी। और जब जान जाओगे तो क्या होगा? करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जब पता चल जाएगा कि सबके अंदर परमात्मा है, तो किसी से निज प्रभु में देखें जगत तो कहिसन करहीं।
किससे विरोध करोगे बताओ? पराया कोई रह जाएगा? ये फायदा हो जाएगा भगवान को मान लेने से, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक फायदा ये हो जाएगा कि कभी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा मेरा परमात्मा हमारे साथ है। देश काल विदिशुं जग माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु। जब हर जगह है तो क्या मेरे साथ नहीं है? तो आपको डर नहीं लगेगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की, समाज से। और डर किससे लगेगा? अपने बुरे कर्मों से, कि कहीं हम बुरा कर्म करेंगे तो वो तो देख रहा है। जैसे आप थाने पर जाइए तो लिखा होता आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में है। बैंक में जाइए तो लिखा होता आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में है। आप कहीं और जाइए बड़े स्थान पे, आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में है। आप बताइए, एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा आपके हर हरकत को देख रहा है, तो एक वह भी तो सीसीटीवी कैमरा लगाया है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या आपके हरकतों को नहीं देख रहा है? और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हम परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे के नजर में है, सच बता रहा हूं, उसी दिन आपका जिंदगी बदल जाएगा। कल मैंने चर्चा किया था माता सती के विषय में, भगवान शिव समझाते रहे, जा सुकथा कुंभजरी सिगाई, जिन जाए इसमें मुनि सुनाई, स्वयं मम इष्ट देवर गोबीरा, ये मेरे भगवान है। लेकिन सती जी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कल चर्चा किया था कि तीन को समझाना बड़ा कठिन है, पत्नी, पड़ोसी और छोटे बच्चे। आपने सुना होगा कि जब श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार मिला तो दूर दूर से लोग आने लगे बधाई देने के लिए, लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन सामने एक व्यक्ति का मकान था, वो अपने दीवान खंड में बैठा चाय पी रहा था, लेकिन वो सामने से इनको सम्मान देने नहीं आया। अब रविंद्रनाथ ठाकुर जी सबका माला अर्पण देख करके, स्वागत देख करके, हाथ जोड़ना देख करके, जैसे उसको देखते तैसे ये सब फीका लगने लगता, सब आए वो नहीं आ रहा। रात बीत गया, नींद नहीं आई पूरी रात्रि। जब सुबह सो करके उठे तो मन में उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य निकले और उनकी रोशनी छोटे गड्ढे पर भी पड़ी, बड़े गड्ढे पर भी पड़ी, हर जगह पड़ रही है। तो उन्होंने कहा चलो वो नहीं आया मेरे पास, हम ही चल करके प्रणाम कर लें, बोली सच्चिदानंद भगवान की। गए, बैठा था ठाकुर को देख करके खड़ा हो गया, अरे आप? उसने कहा आप कैसे चरणों में गिर पड़े? और जैसे चरणों में गिरे महाराज, उसके आंख से आंसू झर पड़े और कहा कि सच बताऊं ठाकुर, आज आपका नोबेल पुरस्कार सफल हो गया, आज आपका नोबेल पुरस्कार सफल हो गया। जब तक आप छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक सच्चा बड़प्पन नहीं आ सकता। आप विचार करिए, लोग कहते राम राज, बलि का राज क्यों नहीं, कृष्ण जी का राज क्यों नहीं, राम राज क्यों? आज एक बात बताइए, बलि राज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बलिदान है लेकिन बलि राज की मांग लोग नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा, द्वारिका, गोकुल, वृंदावन, कितने जगह का राज्य आया है, लेकिन उसके बाद भी इनको लोग ये नहीं मांग करते कृष्ण राज्य। राम राज्य की मांग क्यों की जाती है प्यारे? क्योंकि राम एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया, बोले सच्चिदानंद भगवान, किसी का अपमान नहीं किया राम। पिता का सम्मान, माता का सम्मान। अच्छा एक बात बताइए, भरत अगर देखा जाए तो सौतेला ही भाई तो है, बोली, लेकिन अपने उस भाई को राज देने के लिए भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, हा? मेरा भरत राज पा जाए, उस राज को दिलाने के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वन में चले गए। आप बताइए, एक छोटे से छोटा व्यक्ति हो आज के समाज में, कुर्सी प्यारी है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। जब ट्रंप के पास सूचना गई चुनाव की, उसने कहा कि महाराज मैं चुनाव तब होने दूंगा जब सत्ता मेरे अनुकूल होगी,
नहीं तो मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। आज इस सत्ता के लिए कितने लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली, एक दूसरे का गला काट लिया एक दूसरे के लिए, लेकिन भगवान राम जी ने सहजता से अपने राज का त्याग कर दिया और महाराज दशरथ ने भी सहजता से अपने राज्य का त्याग कर दिया कि मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस राम ने भरत जी के लिए राज को छोड़ दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जिस राम ने समाज को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी अपने परिवार का त्याग कर दिया हो, उस राम राज की संस्थापना लोग क्यों नहीं चाहेंगे? ईमानदारी से बताइए। प्रकृति राम जी की प्रतिकूल नहीं थी, प्रकृति राम जी के अनुकूल थी, ऐसे आज भी तो लोग चाहते हैं। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे आज्ञा का पालन करे, हर सास चाहती कि मेरी बहू मेरी आज्ञा का पालन करे, हर भाई चाहता है कि अगर मैं थोड़ा सा डांट दूं तो मेरा बड़ा भाई मेरा छोटा भाई मुझसे तकरार ना करे, मुझसे प्रेम करे, यही तो चाहता है। कल मैंने चर्चा किया था कि सती जी को शिव जी ने समझाया लेकिन सती जी नहीं मानी, चली गई। क्या कर रहे हैं? परीक्षा लेने चली गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अब आप बताइए, परीक्षा लेने भी किसकी गई है जो मानुष नहीं है? क्या है? अमानुष है। बोले कहाँ लिखा है? बोले श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पहले कांड के 357वें दोहे के 6वीं चौपाई में लिखा है कि राम जी मानुष नहीं है। राम जी क्या है? सकल अमानस कर्म तुम्हारे, सकल अमानस कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम जी मानुष नहीं है। अच्छा सती जी क्या है? ये जीव है। और परीक्षा किसके लेने गई है? अमानुष की परीक्षा लेने गई है। और जिसके विषय में सुग्रीव जी ने कहा है कि महाराज राम कौन है? बोले नादि नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध तम सो निसि जागा, और लोभ पास जही गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। जिसके जीवन में महाराज आकर्षण का कोई भी वस्तु जिसको आकर्षित न कर पावे, उस अमानुष राम जी का परीक्षा लेने कौन गया है? मानुष माता सती। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अच्छा इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, संसार के लोग इंद्रियों के वश में हैं कि इंद्रियां संसार के वश में हैं? बोलिए, संसार के लोग इंद्रियों के वश में हैं। अगर आज जीव ने कह दिया कि मुझे ये खाना है तो पक्का चाहे जैसे व्यवस्था होगी लेकिन होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लोग जीव के इतने गुलाम हो गए। कान ने कह दिया कि मुझे ये संगीत सुनना है, तुरंत यूट्यूब पर गए, जाकर के सर्च किया, वो चीज लगाया, गाना लगाया, सुना, मन को आनंदित कर दिया। नेत्र ने कहा ये देखना है तो तुरंत देखने के लिए पहुंच गए। बोलो हाँ जी कि ना जी। आज के लोग इंद्रियों के गुलाम हैं। लिखा हुआ है इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम प्रभो, इंद्रियां व्यवस्था से मन को चुरा लेती हैं। और अगर कहीं व्यक्ति एकांत में हो तो इंद्रियां और प्रबल हो जाती हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मनुस्मृति में आप लोगों ने पढ़ा होगा दूसरे अध्याय के 215वां श्लोक, वहां पर लिखा गया है कि कितने लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए एकांत में। बोले माता स्वसादु हित्रावा ना विविक्ता सनो भवे, बलि इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपी कर सती। माता बहन बेटी इसके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए।
क्यों? क्योंकि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन आज माता सती जी जब भगवान राम जी का परीक्षा लेने गई तो कैसा रूप बनाया? सुंदरी का रूप बनाया। कौन से सुंदरी? माता जगत जननी। और दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई नारी है तो कौन है? माता जगत जननी। अच्छा क्यों? बोले जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो परम पिता परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के चल रही हो, आप बताइए वह माता जी सुंदर होंगी कि नहीं? अरण कांड की घटना आप सबको याद होगी। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण भैया और माता जानकी तीनों बैठे हैं और उसी समय राम जी ने अपना पांव देखा। पांव देख करके बोले लखन मेरा पांव बड़ा सुंदर है। सीता जी ने भी अपना पांव देखा, कहा प्रभु आपसे सुंदर मेरा पांव है। राम जी ने कहा नहीं नहीं मेरा पांव सुंदर। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मेरा पांव सुंदर। अब सीता जी ने कहा कि स्पष्ट कैसे हो कि किसका पांव सुंदर है? तो कहा लखन भैया आप न्यायाधीश बन जाओ, न्याय कर दो किसका पांव सुंदर है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि आप मेरे माता और पिता हैं, क्योंकि माता ने कहा ना तात तुम्हार मात वेदे ही पिता राम सब भात स्नेही। तो अगर हम आपका न्याय करेंगे तो महाराज ये मर्यादा के प्रतिकूल होगा, हम कैसे आपका न्याय कर दें। राम जी ने कहा मैं तुम्हें हक प्रदान करता हूँ, न्याय करो। और न्यायाधीश की निगाह में कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, वह तो वही बोलेगा जो सच्चा हो, जो सच हो वही बोलेगा। बोलो क्या सही है? लक्ष्मण जी ने कहा हाथ जोड़ करके प्रभु नाराज ना होना, सबसे सुंदर अगर किसी का पांव है तो माता जानकी का। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवर हो तो ऐसा, भाई का पक्ष नहीं लिया मेरा पक्ष लिया। माता जी खूब आशीर्वाद देने लगी लक्ष्मण को, तुम मुझे लोक उससे भी ज्यादा प्रिय लगोगे, मैं तुम्हें इतना स्नेह करूंगी, तुम मेरे पुत्र, तुम मैं, खूब आशीर्वाद दे रही। लेकिन तब तक लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके माता जी बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। क्यों? का आपसे भी ज्यादा सुंदर मेरे प्रभु का चरण है। राम जी ने कहा ये तो बस कहने वाली बात हुई, ये कौन सा न्याय है, पहले इनका चरण सुंदर बाद में इनका चरण सुंदर, ऐसे कैसे मान लो। कहा प्रभु पहले सुनो तो पूरी बात बताइए। कहा आप से मैंने कहा कि माता जी का चरण सुंदर है, बोले हाँ क्यों? कहा प्रभु जो आपके चरण के पीछे चरण चले वह चरण सुंदर होगा कि नहीं होगा, ईमानदारी से बताइए। तो कहा कि तो फिर हमारा पांव सुंदर क्यों? का सरकार आपका आचरण सुंदर है और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी का चरण सुंदर होता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जिसका आचरण सुंदर नहीं है उसका चरण कभी सुंदर नहीं हो सकता। तो सबसे बड़े तो महाराज अगर सुंदर देखा जाए तो माता जानकी जी है, जगत जननी है। और रूप किसका बनाया? बोले माता जानकी जी का। और कैसा रूप बनाया है? बोले मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरम बिलसती गले मोतिक लता। क्या किया है? बोले माता जी ने बड़ा सुंदर सा पान खाया है, मस्तक पर कश्मीरी सिंदूर लगाया है, बढ़िया सुंदर सा सूरमा लगाया है, बढ़िया सुंदर साड़ी पहन रखी है, लेकिन राम जी की दृष्टि जानकी जी पर नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि सत्कल अमानस कर्म तुम्हारे, राम जी अमानुष, इसलिए इनकी दृष्टि इनके ऊपर नहीं पड़ रही है। और राम जी के विषय में एक बात और कहा गया है, श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 231 चौपाई संख्या 6 में कि भगवान राम है कौन? बोले मोहि अतिशय प्रतीति मन के रे, 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 जे सपने पर नारी न हे रे, जे सपने पर नारी न हे रे, जो सपने
कभी परनारी का दर्शन न करे ऐसे राम जी, आप ईमानदारी से बताइए कैसे दृष्टि डाल देते सती जी के ऊपर? बोली कैसे दृष्टि कर देते? अब दूसरी बात आप देखें कि इस संसार के लोगों में और परमात्मा में बहुत अंतर है कि नहीं? क्यों अंतर है? बोले हम में तुम में बस फर्क यही, और हम नर हैं वो नारायण हैं, और हम हैं संसार के हाथों में और संसार उन्हीं के। तो जब हम संसार के हाथ में हैं और संसार भगवान के हाथ में है, अच्छा आज का व्यक्ति अगर हो तो बोले लिखा हुआ है कि कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या, आज के व्यक्ति की इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि अगर संसार में किसी सुंदर व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को देख ले तो आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। बोले हाँ जी कि नहीं जी? हैं भाई संसार के कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको आसक्ति नहीं है, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं कि महाराज जिनका व्यक्ति वस्तु स्थान अगर सुंदर दिख गया तो एक बार इंद्रियां उधर जाने को विचलित हो जाती। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन हमारे राम जी कौन है? बोले सुंदर तामर जात भवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। जे सपने पर नारी न हेरी, भगवान राम जी ने सोचा कि आज हमको सेमीफाइनल जीतना है। अगर आज जीत गए तो फिर आनंद आ जाएगा। अच्छा अब देखिए सती जी सामने से आ रही हैं, लेकिन दृष्टि किसकी पड़ी? बोले अच्छा आगे वाले की दृष्टि पड़नी चाहिए थी कि पीछे वाले की? आगे वाले की। अब आगे कौन खड़े हैं? राम जी। और पीछे कौन खड़े हैं? लक्ष्मण जी। लेकिन राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी, राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी, पड़ी किसकी दृष्टि? लक्ष्मण जी की। और आप तो इतना जानते ही हैं कि लक्ष्मण जी जैसा क्रोधी दुनिया में कौन होगा। सूपनखा वेष बदल करके आई। अच्छा सूपनखा ने भी कपट का वेश बनाया था और सती जी ने भी कपट का वेश बनाया था। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जब सूपनखा कपट वेश बना करके आई तो नाक कान बिनु भय बिकरा रहा, नाक कान सहीन हो गई, न श्रुति के लायक रखा। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण जी ने नाक कान उसका काट लिया, लेकिन आज लक्ष्मण जी बिल्कुल मौन हो गए। इसलिए क्योंकि मैं परीक्षार्थी की भूमिका में हूँ, मैं वशिष्ठ जी के विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया हूँ, आज माता सती परीक्षा ले रही हैं, इनको दंड देना ठीक नहीं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आहा ये हाथ जोड़ करके खड़े हुए, लेकिन शिव जी को रहा नहीं गया। भयउ ईस मन शोभ विशेखी, शिव जी को क्षोभ हो गया कि सती सीता का वेश बना करके आ रही हैं, लेकिन राम जी को क्षोभ नहीं हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी को क्षोभ नहीं हुआ। राम जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि कहउ बहोरी कहां प्रिसके तो विपिन अकेले फिरहिं के हे तो, विपिन अकेले फिरहिं के हे तो। अब ईमानदारी से बताइए सीता जी सामने खड़ी है और राम जी सर्वज्ञ, राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा विपिन अकेले फिर के हेतु, जबकि दिख क्या रहा है श्री रामचंद्र मानस के बालकांड के 53वें दोहे में लिखा हुआ है कि पुनि पुनि हृदय विचार धरि सीता कर रूप, और आगे होई चल पंथ ते ही जही आवत सुर भूप। लेकिन उसके बाद भी राम जी कहते विपिन अकेले फिरे के हेतु, अब कहा हूं बहोरी कहां वृष केतु, अकेली भोले बाबा कहाँ है? अच्छा सही से बताइए, कोई रास्ते में आपसे मिले, अब आप उससे कह दीजिए कि आप हमसे मत उड़िए, हम आपके विषय में खूब जानते हैं,
तो सही सही बताइए, उसका होश उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा कि भैया अभी तो पहली बार मिले और ये हमारे विषय में सब कैसे जान रहा है। राम जी ने कहा कि अकेली फिर रही है माता जी, भोलेनाथ कहाँ है। अब सती जी ने कहा हे भगवान क्या होगा, हमने कुछ बोला नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, और ये हमको पहचान गए। अच्छा राम जी हाथ जोड़े, किसी ने कहा कि प्रभु ने हाथ क्यों जोड़ा हुआ है। कहा कि पहला कारण कि जब कोई शिष्य की परीक्षा कोई गुरु लेने जाता है तो उस समय शिष्य का कर्तव्य क्या है, बोलिए, परीक्षार्थी की व्यवस्था क्या है कि वह हाथ जोड़ करके गुरु का सम्मान करे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, हाँ जी की ना जी। दूसरा अगर आज की भाषा में देखा जाए, जो छात्र बेचारे कमजोर होते हैं जब अपने कक्ष निरीक्षक को देखते हैं तो झूठो प्रणाम करते, गुरु जी प्रणाम, हो सकता तू ये प्रश्न हल करवा दे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी बोले हम परीक्षार्थी की भूमिका में हैं तो थोड़ा सा व्यवहार बना करके रहना ठीक, अगर कोई गलती होगी तो हमारे गुरु जी क्षमा कर देंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की, इस नाते प्रणाम किया। और तीसरी बात ये कि सकल अमानस कर्म तुम्हारे, भगवान राम क्या है, अमानुष है, और इन्होंने सोचा कि आज सती जी आई हैं तो सती जी तो हमारी माँ हैं और मैं पुत्र हूँ, तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता को प्रणाम करना, क्योंकि मातृ देवो भव, हमारे यहाँ का सूत्र है ना, मातृ देवो है तो प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है, इस नाते राम जी ने प्रणाम कर लिया। अच्छा अब आप पूछेंगे कि सती जी ने सीता का रूप अगर बना लिया तो गलत क्या किया, भाई गलत क्या किया, तो थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हैं और ऐसे ऊपर देख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, शिव जी ने हिमालय पर बैठ करके सोचा कि हो सकता है हमसे ऊंचा कोई हो ही ना, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी किसकी, ईमानदारी से बताइए, सबसे ऊंची चोटी किसकी है, हिमालय की। तो शिव जी ने सोचा कि हम यहाँ रहते इसका मतलब इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। और तब तक ब्रह्मा जी को विनोद सूझा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आज तो हम आपके साथ विनोद करेंगे और आपको बताएंगे कि नहीं आपसे भी ऊंचा कोई है, केवड़े के फूल से कहा जा और जाकर के शिव जी के माथे पर गिर जा। केवड़े का फूल आया, शिव जी के माथे पर गिरा, शिव जी ने पूछा भाई साहब आप, इन्होंने कहा हम सबसे ऊपर रहते हैं। अब तो शिव जी बेचारे चरणों में गिर पड़े, धन्य हो आपका दर्शन हो गया, हम तो सोचते थे हम ही सबसे ऊंचे, हम ही सबसे ऊंचे, हमसे भी बड़े लोग मिल गए। और जैसे प्रणाम कर रहे थे कि तब तक भगवान नारायण आ गए नीचे से। अब तो शिव जी ने कहा कि ये केवड़े का फूल ये ऊपर से, और ये नारायण जिनको सात सात पदक मिला हुआ है, कौन सा पदक, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री राम चंद्र कृपा भज मन हरण भव भय दारुणम। राम जी को लोटस पदक मिला है, क्या मिला है, नारायण को क्या मिला है, लोटस पदक मिला है, हैं? कमल पदक मिला है। तो सोचा कि जिसके एक एक अंग की उपमा कमल से की गई वो नीचे से, और जो केवड़े का फूल है वो ऊपर से, शिव जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखे तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले क्यों मजा आ गया। अच्छा एक बात बताइए, जो राम जी अपने शिव जी से इतना प्रेम करते हो, जो शिव जी राम जी से इतना प्रेम करते हो, उस भगवान का अपमान कोई करे तो अच्छा लगेगा, है? तो प्यारे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, मैं श्राप देता हूं आपको, कहा कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। केवड़े के फूल को श्राप दिया कि शिव जी के मंदिर में तू
उल्टा लटकाया जाएगा। भगवान नारायण ने कहा प्रभु हमें क्या दंड दे रहे हैं? अरे कहा सरकार इतने बड़े होकर के इतना छोटा बन करके आप आए हैं तो हम तो आपको प्रणाम करके यही कहेंगे कि महाराज आज से आप मेरे पिता और मैं आपका पिता, आपकी पत्नी मेरी माता और मेरी पत्नी आपकी माता। बोली सच्चिदानंद भगवान की ये शर्त एक दूसरे से हो गया था और इसीलिए आज जब सती जी ने सीता का रूप बनाया तो शिव जी को क्षोभ हो गया कि सती आपको सब कुछ करना था लेकिन ये रूप नहीं बनाना था क्योंकि हम उस रूप को अपनी मां मानते हैं। और जैसे सती जी को प्रणाम किया सती जी ने नेत्र बंद कर लिया, नयन मूंद बैठे हूं मगमाही, नेत्र बंद कर लिया। अच्छा आप इतने लोग बैठे ईमानदारी से बताइए अगर नेत्र बंद कर लिया जाए तो क्या सूर्यास्त हो जाएगा? बोलिए नेत्र बंद कर लेने से अंधेरा दिखेगा लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्य आप जैसे नेत्र खोलोगे तैसे सूर्य का प्रकाश फिर सामने आ जाएगा। अब सती जी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें। राम जी ने सोचा परीक्षा दे ही देनी चाहिए और परीक्षा कैसा दिया? सती दीख कौतुक मग जाता आवागे राम सहित श्री भ्राता, जहां चितवत तहां प्रभु आसीना। सती जी जहां देख रही वहीं भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो सती जी से रहा नहीं गया, भागी गई शिव जी के पास पहुंची और जैसे शिव जी के पास पहुंची गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलार्थ। शिव जी ने हंस करके पूछा और सब ठीक है? सती जी ने कहा ऐसा काहे पूछ रहे हैं? कहा कि जब कोई डॉक्टर के यहां जाता है और डॉक्टर साहब दवाई दे दें तो जब दोबारा मरीज जाता है तब पूछते हैं अब तबीयत ठीक है कि पहले जैसा है, अगर ठीक हो तो दो चार दिन दवाई और चलावें और अगर न ठीक हो तो एक आध खुराक और बढ़ावें। बोले सच्चिदानंद भगवान को उसमें कुछ और मिलावें। बोलो हाँ इसलिए और सबसे बड़ी बात हाँ इसलिए कुशलता पूछ रहा हूं कि जब रावण की बहन गई थी तो नाक कान कटाकर चली आई थी और आप गई थी आप कुशल से तो है ना? बोली सच्चिदानंद भगवान की हंस पूछी कुशल कुशल पूर्वक तो है ना? कहीं लक्ष्मण क्रोध में आकर के आपको तो दंड नहीं दे दिए? अच्छा सच बताओ परीक्षा लिया क्या नहीं लिया? सती जी ने कहा मुझे अपने भोले बाबा पर पूरा भरोसा, हम परीक्षा हमारे प्रभु जो कह दे हम उसको मानेंगे, हम परीक्षा लेने थोड़ी जाएंगे। तो कहा तो फिर गई क्यों थी? सती जी ने कहा प्रणाम करने गई थी। तो कहा परीक्षा नहीं ली? सती जी कहते कछु न परीक्षा ली को सा छुटा परी कीन प्रणाम कीन प्रणाम तुम्हारे नाए कीन प्रणाम तुम्हारे नाए कछुना परी छीन गोसा परीक्षा। कहा कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, यहाँ गोसाई कौन है? बोली गोसाई कौन है? बोले गोसाई माने जो अपने इंद्रियों का साई हो स्वामी हो। और ये कौन है? बोले राम। जे सपने पर नारी न हेरी, जो अपने इंद्रियों के स्वामी हैं, जिन्होंने कामदेव को घोड़ा बना करके उस पर बैठकर बारात गए थे, हमने उनकी परीक्षा नहीं ली। तो कहा फिर क्या करने गई थी? कहा प्रणाम करने। तो शिव जी ने कहा तो यहां से भी कर सकती थी प्रणाम, वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम कह रहे हो कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, तो जब तुम मेरे जैसा प्रणाम कर रही थी तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे कहा प्रभु दर्शन हो जाए इसलिए चली गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा आजकल समस्या क्या है? एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता। बोलो हाँ जी कि ना जी।
मैं तो एक निवेदन करूंगा, एक बार सच बोल करके फांसी चढ़ जाना ठीक, लेकिन झूठ बोल करके किसी की निगाह में गिरना ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे दुनिया में कि जो महाराज अपने आप को सत्य बनाने के लिए तमाम झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन ध्यान देना सत्य सत्य होता है और झूठ का अस्तित्व बड़ा जल्दी मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। इस नाते झूठ के बल पर कोई काम ना करें। आपने सुना होगा एक कहा, एक घटना है, बनी बनाई घटना, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। एक पिता और पुत्र रेलगाड़ी में बैठे, मुंबई से रेलगाड़ी चली और रेलगाड़ी में बैठने के पहले जब पिता टिकट लेने गया तो बेटे की उम्र थी 15 साल और उसने 11 साल बता करके टिकट ले लिया, आधा टिकट ले लिया और आधा टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ गया। और जब आधा टिकट लेकर के गाड़ी में बैठा तो टीटी आए, टीटी ने पूछा बच्चे की उम्र कितनी, कहा 11 साल। अब बच्चा समझ गया कि पिताजी कपट कर रहे हैं, आधा टिकट लिए हैं। उसने देखा कि अब मौका बढ़िया है, कोई सामान बिकने आए तो बच्चा कहता खरीदो नहीं तो कह दूंगा। पिताजी परेशान, कुल्फी वाला आया, खरीदो नहीं तो कह दूंगा। चाय वाला आया, पिला दो नहीं तो कह दूंगा। कोल्ड ड्रिंक वाला आया, पिलाओ नहीं तो कह दूंगा। चना वाला आया, खिलाओ नहीं तो कह दूंगा। अब बेचारा ये कहता और वो क्या करते बेचारे, तुरंत पैसा दे दे ले खा ले, लेकिन मत कहना ठीक खा ले। रात भर गाड़ी चली, अहमदाबाद स्टेशन पे गाड़ी आकर रुक गई। एक भाई साहब उठ करके हाथ जोड़ करके बोले भाई साहब पूरी रात नींद नहीं आई। कहा क्यों? कहा कि पूरी रात आपके बच्चे की बात सुनता रहा, पूरे शाम तक आपके बच्चे की बात सुनता रहा। ये कहता था कह दूंगा, आप डर जाते थे, ये जो कहता था खिला देते थे, आखिर बात क्या थी? रोते रोते बोले भैया अगर हमको पता होता कि झूठ इतना खर्चा कराएगा तो एक बार सच बोल दिए होते। तो कहा क्या हुआ? कहा कि हमने आधा टिकट इसका लिया, लेकिन जितने में हम 5 टिकट खरीदते उससे ज्यादा ये खा गया। तो एक बार झूठ बोलना कई बार आपको परेशान करता, इस नाते एक बार सच बोल दो, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर जी को बड़ी पीड़ा हुई, सती तुम परीक्षा लेने गए, मुझे कष्ट नहीं। सुनो सती तो नारी स्वभाव, तुम नारी हो, नारी को जल्दी भरोसा नहीं होता ठीक है, लेकिन तुमने गलती जो की, मेरे परमात्मा जैसा कोई सदाशय नहीं है और आपके जैसा कोई दुराशया नहीं है, और आपने जाकर के मेरे प्रभु का परीक्षा लिया और फिर झूठ बोल गए कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने तो कितना गलत किया है, मेरे प्रभु का इतना सुंदर स्वभाव, तेरे मंजुल मंजुल स्वभावा पे। शिव जी कहते हैं कि तेरे मंजुल मधुर स्वभावा पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरे मंजुल मंजुल स्वभावा पे, तेरे मंजुल मंजुल स्वभावा पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। पर नारी भीत न डारी, पर प्रिय मानी महतारी, पर नारी भीत न डारी, पर नारी मानी महतारी, तेरे निर्मल मृदुल स्वभावा पे हरि वो, तेरे निर्मल मृदुल स्वभावा पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव हरि वो।
कैसा स्वभाव है? जन दोष हृदय नहीं आनी, जन गुण रज गिर समझानी। जन दोष हृदय नहीं आनी, जन गुण रज गिर सम आनी। तेरे कोमल कोमल स्वभाव पे, तेरे कोमल कोमल स्वभाव पे बलिहार रहो जो, बलिहार रहो जो, बलिहार रहो जो, बलिहार रहो। और आप तो इतने अच्छे हैं प्रभु, कितनी महिमा आपकी गाएं। सगरी को माता लेखे और पिता जटायु देखे, 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 वानर को भाता देखे और पिता जटायु लेखे, बानर को भ्राता देखे और पिता जटायु देखे। तेरे कोमल कोमल स्वभावा पे, तेरे कोमल कोमल स्वभावा पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव हे हरि, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव हरि बोल। संतों को प्रभु अपनाए, सबरी झूठे फल खाए संतों को प्रभु अपनाए, और तेरे निर्मल निर्मल स्वभाव पे। ताली बजाकर बोलिएगा प्रभु की जय हो। तेरे निर्मल निर्मल स्वभाव पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव, तेरे मंजुल मंजुल स्वभावा पे, तेरे मंजुल मंजुल स्वभावा पे बलिहार राघव जो, 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 बलिहार राघव जो। राम भगवान की जय। शिव जी ने कहा।